नूरपुर क्षेत्र के पंचायत खन्नी के तहत चक्की खड टिक्का मोजा खन्नी में जेसीबी मशीनों द्वारा दिन रात खनन माफिया अवैध खनन कर रहा है, ये कहना है खन्नी के पूर्व प्रधान होशियार सिंह का। आज होशियार सिंह के नेतृत्व में गांव वाले नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर को मिले और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया। होशियार सिंह ने सरकार व प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जो अवैध खनन दिन रात धड़ल्ले से हो रहा है, सरकार व प्रशासन इस पर अंकुश लगाए और इन खनन माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी सरकार व प्रशासन से ये मांग है कि ये जो अवैध खनन अनलीगल माइनिंग चक्की खड टीका पहल मोर्चा खन्नी में दिन रात धड़ल्ले से हो रहा है, वो सरकार व प्रशासन इस पर अंकुश लगाए और इन खनन माफिया पर सख्त सख्त कार्रवाई करे। वहीं गांव निवासी शमशेर सिंह ने बताया कि चक्की खड में दिन रात अवैध खनन हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार व प्रशासन को बताया है, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। मैं शमशेर सिंह, गांव खन्नी से अवैध खनन के बारे में बताना चाहता हूं कि यह दिन रात अवैध खनन हो रहा है खन्नी चक्की खड में, खन्नी इलाके में अवैध खनन हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए हमने प्रशासन को सरकार को बताया है कि यह जितनी जल्दी हो सके तुरंत से तुरंत रोका जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। इस सारी समस्या के बारे में जब नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चक्की खड में रात्रि के समय अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई है। इस पर स्थानीय पुलिस व माइनिंग अधिकारी को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि रात के समय चक्की खड में जाकर देखें और अगर कोई इस प्रकार से लोग हैं जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। एसडीएम ने बताया कि वे खुद भी समय समय पर चेक करेंगे, रोज हम इसे चेक करेंगे ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। चक्की खड में रात्रि के समय जो है अवैध खनन की शिकायत हमें आज प्राप्त हुई है। कल भी एक रिप्रेजेंटेशन कुछ लोगों ने मुझे दिया था, तो इस पर मैंने जो है स्थानीय पुलिस और माइनिंग ऑफिसर को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह रात के वक्त जो है क्या कहते हैं चक्की खड में जाकर जो है इंस्पेक्शंस करें। अगर कोई इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, सो दैट कि अवैध खनन को रोका जा सके। मैं स्वयं भी लगातार जो है इसमें इंस्पेक्शन करूंगा। डीएसपी साहब से मैंने बात की है, डीएसपी साहब ने भी इंश्योर किया है कि हम जो है डेली हम विजिट्स करेंगे, सो दैट कि खनन माफिया के ऊपर जो है 100% अंकुश लगाया जा सके।